हेलो फ्रेंड्स, क्या आपके भी प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है? हमारी इस नर्सरी में बहुत से प्लांट हैं, जिनमें से दो प्लांट ऐसे हैं जिनमें इस पूरे सीजन में अब तक फ्लावरिंग नहीं हुई। तो मैंने रीज़न समझना चाहा। नंबर एक, आपके पॉट में पानी तो रिटेन नहीं होता है। नंबर टू, बहुत ही ज़्यादा क्लोज सर्किट में घने घने एक दूसरे से सटा के एकदम लगा के तो नहीं रखा गया है उनको। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है फ्लावरिंग ना होना। मैं आपका होस्ट विजय, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके चैनल अल्टीमेट एडेनियम पे। ये हमारा ब्लैक स्वान है, बहुत ही हैवी ब्लूजम प्लांट है। देखिए आप, बर्ड्स, फुल ऑफ बर्ड्स। तो आज का जो टॉपिक है, मैं उस पर फोकस करता हूँ फटाफट, कि आपके प्लांट में फ्लावर क्यों नहीं आ रहे हैं। सबसे बड़ा रीज़न है आपके पॉट में पानी का रुकना और पानी का ज़्यादा देना। अगर आप पानी बहुत ज़्यादा दे रहे हो तो दोस्तों, प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होगी। मैं आपको बताऊँ एक बहुत ही कीवर्ड, उसके लिए मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अब यहाँ तक हम आ गए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप, और अभी तो आपने अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक भी कर लें, थम्स अप दें। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप रेज करें। इस स्टेज पे मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो को अंत तक देखेंगे तो ही समझ में आएगा। पानी का ज़्यादा देना, पानी एडेनियम के लिए दुश्मन और दोस्त दोनों है। कम देने से प्लांट्स डिहाइड्रेट हो जाएगा आपका, लेकिन ज़्यादा देने से फ्लावरिंग नहीं होगी और आपका प्लांट सॉगी होकर मर भी सकता है। दो, मैं ये कहता हूँ कि एडेनियम कभी मरते नहीं हैं। फिर भी पहला रीज़न पानी का बहुत ज़्यादा देना। दूसरा रीज़न, अगर आपके पॉट में रूट ब्लास्ट कर गई है इस तरीके से, तो ये पॉट फ्लावरिंग नहीं देगा। या कलियाँ अगर आ भी गई तो कलियाँ खिलेंगी नहीं। अगर ये रूट ब्लास्ट करके बाहर आ गई हैं तो आपके पॉट में, आपके प्लांट में पानी ज़्यादा तो नहीं पड़ा है, लेकिन उसको रेगुलर पानी मिलता रहा है, इसका ये सिम्टम है। और रूट बहुत अच्छे से ग्रो हुई है, प्लांट आपका हेल्दी होगा। ये रूट चूँकि ज़मीन को टच करती रहती है, इसको हीट मिलती रहती है और ऊपर से आप पानी देते हो, उस टेम्परेचर के कारण इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है। आपका पॉट जितना ड्राई होगा, आप देखेंगे पॉट को एकदम ड्राई कर दिए, देखिए एकदम ड्राई है, जबकि कल रात में मैंने इसमें पानी दिया था। इसकी मिट्टी इतनी बढ़िया, देखिए ड्राई हो चुकी है, और इसकी मिट्टी उतनी अच्छी नहीं है, ये ड्राई नहीं हुई है। ये हमारे सेल वाले प्लांट हैं जिनमें बहुत ज़्यादा हम मोरंग या चारकोल नहीं डाल पाते हैं क्योंकि कॉस्ट भी अराइज होती है। ये हमारे घरेलू प्लांट है, देखिए रात में पानी दिया सूख गया, ये देखिए नहीं सूखा है। ये पॉट आपके जब तक ऐसे नहीं होंगे, ऐसी अच्छी ब्लूमिंग नहीं होगी। नंबर टू, इस पॉट को इमीडिएटली बदल दें सो दैट आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो। इसको खींच के नहीं निकालना है, इस गमले को ही मुझे वेस्ट करना पड़ेगा आप, क्योंकि इसके बाद जो मेजर इशू है वो मैं आपको बताऊंगा, वो है न्यूट्रिशंस की कमी। सो मैं उसे भी आगे कवर अप करूंगा, तो मैं इसको पहले क्लियर करता हूं, इसको लगाता हूं, फिर आपको न्यूट्रिशंस भी दिखाऊंगा, न्यूट्रिशंस कैसे आपको यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, आपके सामने ये रूट आ गई है, पर मैं अभी इस रूट को भी कैंसिल कट कर दूंगा। अब आप देखिए इसी प्लांट को, तो आइए मैं इस रूट को भी कट करके लाता हूँ। अब इस प्लांट को सिंपली मैं यहाँ रख दूँगा, राइट? नो, फर्स्ट आई विल ऐड दिस माई मैजिकल फर्टिलाइजर इन द बॉटम। नाउ आई विल कीप दिस इन टू द सेंटर ऑफ दिस पॉट, राइट? सेंटर में नहीं आएगा बिकॉज ऑफ द शेप, इट इज़ लिटिल टफ टू कीप इन सेंटर। सो वॉट आई विल डू, आई विल रिमूव दिस पार्ट ऑल्सो। ये देखिए मैंने इसको कट कर दिया है। अब आप कहेंगे इसको इमीडिएटली आप लगा रहे हैं, इमीडिएटली आप इसको फंगीसाइड में लगा के आप प्लांट को कैसे लगा सकते हैं, प्लांट सॉगी हो जाएगा। नहीं, मैं इसे इमीडिएटली लगा रहा हूँ। मैंने पहले फंगीसाइड दिया, अब मैं इस पर दालचीनी दे रहा हूँ, इसको डबल डोज दे रहा हूँ। ये दालचीनी पाउडर इसमें एज ए एंटीबायोटिक, एंटीऑक्सीडेंट सभी तरीके से काम करता है, जैसे हम लोगों के लिए ह्यूमंस में हम यूज़ करते हैं बोरोलिन, बोरो प्लस,
अभी आप इसकी रूट देखिए कितनी सुंदर रूट हो गई, नोवा तंजानिया स्वाजिकम, उनके रूट आपने देखे लाइक कैरेट टाइप रूट, कैरेट रूट, रेडिश रूट। सो जो कैरेट रूट रेडिश रूट बनता नहीं है, सॉइल के अंदर अपने आप नहीं शेप ले लेगा, उसको एक शेप दिया था। अब आप देखिए कितना सिंपल शेप है, कितना ब्यूटीफुल शेप है या नहीं है। अब मैं सिंपली इसको पॉट कर दूंगा। आप कहेंगे आपने अभी कट किया, आपने अभी पॉट किया, मैंने कर दिया है, आप लोग मत करिएगा अगर आप ये सारा ट्रीटमेंट नहीं दे पाते हैं तो। प्लीज़ अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, और नीचे लगे थम्सअप को ज़रूर बटन दबा दें। ऐसा करने से मैं तो इनकरेज होऊंगा ही, आपका प्यार मुझे मिलेगा, आपके नए क्वेश्चंस आएंगे तो मुझे बहुत ही आनंद आएगा। अब देखिए मैंने इतना सॉइल डाला, इसके बाद मैं अगेन सॉइल में फर्टिलाइज़र देख ली, वो मैजिकल मिक्स फर्टिलाइज़र मैंने बताया है, फिर भी मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ये मैंने अगेन डाला, अब मैं इसमें सॉइल फुल कर दूंगा ब्यूटीफुल कैरेट रूट के साथ, ये प्लांट हमारा ग्रो हो। दोस्तों मैंने इसको ऐसे किया है, आप कैसे करेंगे, आप इस प्लांट को रख देंगे धूप से हटा करके 2-3 दिन सूखने के लिए, उसके बाद ही इस प्लांट को लगाएंगे टॉप लेयर पे फंगीसाइड। इस प्लांट में मैं पानी नहीं दूंगा शाम तक, यहाँ पे बहुत तगड़ी धूप हो रही है, ये एज इट इज सनलाइट में रखा रहेगा, इवनिंग में मैं इसमें पानी डालूंगा। ज्योति जी, सिमी जी, हरिओम जी, मिस्टर बिलाल, सो मेनी पीपल, आई होप कि मैंने आप सभी लोगों के प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। आप इस फ्लोर प्लांट को देख लीजिए, पॉट को आइडेंटिफाई कर लीजिए, मैं इसी प्लांट का अपडेट आपको दूंगा जब इसमें ब्लूम होंगी। आप देखेंगे पूरा पेड़ किस तरीके से फ्लावर से भर गया है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर आपको पसंद आया तो हमें थम्सअप दें, और हमेशा जब भी किसी की वीडियो को देखें अगर इन्फॉर्मेटिव है, आपके मतलब की है, तो उसे पूरा ज़रूर देखें। उसके फ़ायदे होते हैं कि वीडियो में अलग अलग टाइम पे अलग अलग टिप्स आते रहते हैं काम के दौरान, जैसे मैंने इसी में देखे शुरू में आपसे कुछ कहा था लेकिन एंड में मेरे को मेन रूट ही कट करनी पड़ गई, राइट। आप भी अपने पेड़ को ऐसा ही ब्यूटीफुल शेप दीजिए, देखिए कैसा कैरेट रूट की तरह प्लांट आ रहा है।